अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे साथियों आपका हार्दिक स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी, परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा परिचय। नाम नवीन शर्मा, एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक परस्यू करने के बाद 2013 में 2013 में गेट क्वालिफाई किया था। वहां पे आपका ऑल इंडिया रैंक गेट में जो ऑल इंडिया रैंक है वो यहाँ पे सिक्स ऑल इंडिया रैंक आया था गेट के अंदर। उसके बाद केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी सेवाएं दी, सिविल सर्विसेज में 16 और 17 दो बार क्वालिफाई किया। उसका अनुभव, क्योंकि उसमें भी प्री एग्जाम में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको यहाँ देने का प्रयास करूंगा। एक प्रोजेक्ट जो कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन पे बेस्ड है टैरी के साथ, उस प्रोजेक्ट में छोटा सा कंट्रीब्यूशन मैंने भी दिया है। तो साथियों अब तक मैं आरपीएससी सेक्शन की क्लास लगातार लेता रहा हूं। आरपीएससी सेक्शन में आप अनअकैडमी के ऐप पे जाएंगे, वहां आरपीएससी की प्रोफाइल में मेरे सारे लेक्चर्स आपको दिख जाएंगे। एक वैकेंसी आई थी फॉरेस्ट सर्विसेज की, एसीएफ एंड एफआरओ, वहां पे एनवायरमेंट के कुछ लेक्चर्स मैंने लिए थे, जैसा कि आप स्लाइड में यहां पे देख सकते हैं। और सिलेबस ऑलमोस्ट एसीएफ का और यूजीसी नेट का काफी हद तक सेम है। मेरे लेक्चर्स आपको लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे मैं लेक्चर दिख जाएंगे। तकरीबन 20 लेक्चर मैंने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के वहां पे बनाए थे। तो अनअकैडमी का हमारा जो प्लस कोर्स है फ्रेंड्स, वहां जुड़ने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। पहली बात, क्लासेस यहां पे लाइव रहती है। क्लासेस के दौरान आप अपने एजुकेटर से रियल टाइम मैनर में कोई भी डाउट कोई भी शंका पूछ सकते हैं। इंटरेक्टिव लाइव सेशन रहता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, टेस्ट सीरीज कोर्स का इंटीग्रल फीचर है। मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी इस प्लेटफॉर्म पे। स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस कंप्लीट होगा। हमारे यूजीसी नेट में जितने भी ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस है, उसके अलावा आपका जो आप साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ये आपका एनवायरमेंटल साइंस है, कुछ सब्जेक्ट्स आपके आर्ट से जुड़े हुए हैं, तमाम सब्जेक्ट्स को, तमाम ऑप्शन पेपर को यहां पे कंप्लीट करवाया जाएगा इन स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तमाम एजुकेटर्स अनअकैडमी के यूजीसी नेट पे आपको मिल जाएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन पेपर की क्लास लेते हैं। मैं यहाँ पे पेपर वन कंप्लीट करूंगा, पेपर वन के साथ में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ये मैं कंप्लीट करूंगा आपका इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों जैसा कि मैंने आपसे कहा, 7 मई से मेरा नया बैच, 7 मई से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी के ऐप पे, प्लस कोर्स पे। ये मेरा बैच प्लस कोर्स पे स्टार्ट होगा। यहाँ पे पेपर वन में कंप्लीट करूंगा, पूरा पेपर वन कंप्लीट किया जाएगा। और पेपर नंबर टू में, चूंकि मेरा एक्सपर्टीज एनवायरमेंट साइंस में है, तो पेपर नंबर टू में मैं एनवायरमेंटल साइंस कवर करूंगा। तो पेपर वन कंप्लीट, पेपर नंबर टू में एनवायरमेंटल साइंस कंप्लीट होगा, ये आप याद रखिएगा। ये 7 मई से मैं बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो एक बात जो हम सब कहते हैं, आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बेसिक जानकारी मैं दे देता हूं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो लोग इससे अनभिज्ञ हैं, अनफैमिलियर हैं, आप अनअकैडमी के ऐप पे जाके गूगल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे यूजीसी नेट कोर्स का आप चयन करेंगे तो ये विंडो खुलेगा। यहाँ पे आप फी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। मेरा कोड NAV10 यूज करने से, मेरा आप कोर्स तो देख ही पाएंगे, तमाम एजुकेटर्स का कोर्स इस कोड को यूज करने से दिखेगा, आपको 10% का डिस्काउंट भी यहाँ फीस में मिल जाएगा। उसी तरह से फीस की बात करें तो आर्थिक पहलू, इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस है, हमारे अधिकतर साथीगण अभी कोविड पैंडेमिक के दौर में इकोनॉमिक वैल्यू बहुत है। देखिए मैं समझता हूं इस बात को ध्यान में रखते हुए फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। एक साल के कोर्स का जो फीस है, 12 मंथ के कोर्स का फी है 12,375 एक साल के कोर्स की फी। इसको आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे जिसमें कि कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं आता, लगभग 1,031 आपका, 1,031 रुपए आपका आएगा ईएमआई, जिसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं है। यहां पर मेरा कोड NAV10 कोड यूज करने से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे आपका एक साल का प्रोग्राम हो चाहे आपका 2 साल का कोर्स हो। उसी तरह से हमारा यहाँ पे यूजीसी नेट पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी होता है, जहां पे 1-to-1 मैनर में आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसकी फी भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 महीने की फी लगभग 23,000 रुपए है,
क्योंकि यहाँ पे एजुकेटर से इंटरेक्टिव मैनर में मेंटर, आपका एक मेंटर आपको परमानेंटली यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है आपकी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। इसमें भी मेरा कोड NAV10 यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फीस में कोई भी दिक्कत आती है बेहिचक मुझसे बोलिएगा, जितनी सहायता हो सकती है बताऊंगा तरीके कि आपकी फीस कैसे कम की जा सकती है क्रेडिट पॉइंट की सहायता से। तो आज का हमारा विषय टॉपिक डिस्कस करेंगे सिलेबस को, देखिए हर बार हर लेक्चर में बोलता हूँ सिलेबस को देखिए, आपका सिलेबस यहाँ पे डिफाइंड है कंप्लीटली। यूनिट 9 पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, PDE, पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यूनिट 9 आपका पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1 वहां पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, EPA एक्ट 1986 आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। सभी साथियों का गुड इवनिंग, सभी साथियों का प्रणाम, इस मंच पर जुड़ने के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो साथियों EPA एक्ट हमारे सिलेबस का पार्ट है, अब हम देखते हैं इसके अंदर इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसका कंप्लीट एनालिसिस कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में करेंगे, इतना डिटेल में बात कर लेंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं डिटेल में करा दूंगा, आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले साथियों, देखिए कोविड का दौर है, कोविड पैंडेमिक, मैं जानता हूं आपकी फैमिली में और या हो सकता है परिवार में भी कुछ लोग इस पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, कुछ उसके संक्रमण में भी आए होंगे। इस समय हेल्थ पे पूरा ध्यान दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इसका यूज मैंडेटरी है, हेल्थ सही रहेगी तभी एग्जाम दे पाएंगे UGC NET का। तो सबसे पहली बात, ये आपका टाइम आइडियल टाइम नहीं, ये टाइम आपको अगर आप मई की साइकिल को फोकस कर रहे हैं, आपको टाइम मिल गया है, मई की जो साइकिल है टाइम आपको मिल गया है, आपको इस अपॉर्चुनिटी को रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, अपॉर्चुनिटी को आउटकम में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं, आपदा को अवसर में बदलने का समय है, बिल्कुल ऑप्टिमम टाइम है, आप इसको यूटिलाइज कीजिए, जो अपने कमी है ग्रे एरियाज है उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको चिपका लीजिए अपने स्टडी रूम में लिखकर कि मेरे टॉपिक कमजोर है, उस पे बार मल्टीपल टाइम्स आप वर्क करेंगे, आपका ये पेपर UGC NET का JRF जरूर निकल जाएगा। तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल इनकी बात एकदम सही है। तो आज का हमारा टॉपिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सबसे पहले सोर्स कहां पे आपको पढ़ना है मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन PDF चेक करना है तो बेयर एक्ट, इस एक्ट के लिए जो बेयर एक्ट है वो ओरिजिनल सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, legislative.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, यहां पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 का पूरा PDF फुल डिटेल आपको मिल जाएगी यहां से। तो सोर्स क्या है, सोर्स ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट इटसेल्फ, बहुत बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट इटसेल्फ, बहुत बड़ा सोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, इसी को डाउनलोड करेंगे तो आपको आई थिंक 15-16 पन्ने का ये PDF आपको वहां से उपलब्ध हो जाएगा। दूसरी बात, देखिए हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं आर्टिकल्स, संविधान में होते हैं आर्टिकल्स, लेकिन जब कोई एक्ट पास होता है तो एक्ट में होते हैं सेक्शंस, एक्ट में होते हैं सेक्शन। तो यहां पे देखेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का जो ये एक्ट है, इसमें आपके 4 चैप्टर, याद रखिएगा इसको आपको रिमेंबर करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, 4 चैप्टर हैं और 26 सेक्शन हैं, 4 चैप्टर हैं 26 सेक्शन है, याद रखिएगा 4 चैप्टर्स 26 सेक्शंस इस पर्टिकुलर आपको एक्ट में मिलेंगे। ये 20 सवाल UGC NET में पहले के एग्जामों में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं और 26 यहां पे आपके टोटल सेक्शन है, 26 यहां पे टोटल आपके सेक्शन है। तो पहली बेसिक बात, दूसरी बात, जो 4 चैप्टर आपके दिए हुए सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं वो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं, पहला चैप्टर Chapter number 1, ये ओरिजिनल एक्ट का PDF दिखा रहा हूं आपको, मैं ओरिजिनल एक्ट का जो गवर्नमेंट ने वेबसाइट पर अपलोड किया है उसका PDF शेयर कर रहा हूं आपसे मैं। पहला चैप्टर है आपका जिसमें की डेफिनेशंस, फर्स्ट चैप्टर में इस एक्ट में जो शब्दावली, जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है उनका क्या मतलब है, डेफिनेशन। हमेशा चैप्टर वन किसी भी एक्ट का हो उसमें सेक्शन नंबर 2 जो होता है, सेक्शन नंबर 2 वहां पे डेफिनेशन दी आती है,
सेक्शन नंबर टू में आपको किसी भी एक्ट पे मिलेगी डेफिनेशंस मिलती है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है, हजार्डियस सब्सटेंस का मतलब क्या है। तो पहला जो आपका चैप्टर है डेफिनेशन से आपको डिटेल मिलती है, फर्स्ट चैप्टर डेफिनेशन पर बेस्ड। सेकेंड चैप्टर इसी एक्ट का जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर आपका डील करता है गवर्नमेंट की पावर से, गवर्नमेंट की पावर से डील करता है सेकेंड चैप्टर, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो गवर्नमेंट की जो पावर है वो आपको दिखेगी चैप्टर नंबर टू में। इस एक्ट में सरकार की क्या शक्तियां हैं वो दी हुई है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका चैप्टर नंबर थ्री, चैप्टर नंबर थ्री वहां पे आप बात करेंगे प्रिवेंशन कंट्रोल अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट, याद रखिए PCA, प्रिवेंशन कंट्रोल अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, उससे संबंधित जितने भी सेक्शंस हैं ये मिलेंगे आपको चैप्टर नंबर थ्री में। लास्ट चैप्टर हमारा जो हमारा फोर्थ चैप्टर है चैप्टर नंबर फोर, चैप्टर नंबर फोर डील करता है आपका मिसलेनियस मिसलेनियस फैक्ट्स। इसमें मिसलेनियस कुछ चीजें हैं जैसे कि यहाँ पे कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस की बात की कोर्ट उसमें क्या दखल दे सकता है, कितनी दखल दे सकता है, कितनी दखल नहीं दे सकता। कोर्ट यदि मानेगा तो गवर्नमेंट की किस डायरेक्शन को बात रखी जाएगी कोर्ट में। तो ये तमाम बातें आपकी मिसलेनियस सेक्शन में दी गई हैं। टोटल चार चैप्टर हैं और 26 यहां पे सेक्शन है। अब एक एक करके एक्ट को समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले बेसिक पे जाइए, समझिए कि शुरुआत कैसे होती है। आप फ्लैशबैक में जाइए, आप जो है फ्लैशबैक में जाइए, फ्लैशबैक में जाके बैकग्राउंड समझते हैं कि ये एक्ट 1986 में आया, उससे पहले क्या स्थिति थी, उससे पहले क्या कंडीशन थी। बिल्कुल, देखिए ये ज्ञान जी मैं इससे पहले आरपीएससी के लिए क्लासेस अभी भी ले रहा हूँ, आरपीएससी के तमाम लेक्चर्स में लेता हूँ, लेकिन वहां पे चूंकि एसीएफ फॉरेस्ट सर्विसेज की यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वहां पे मैंने कुछ टॉपिक फॉरेस्ट्री के पढ़ाए, उसके अलावा एनवायरमेंट इकोलॉजी का मेरा एक्सपर्टीज है, तो ये पेपर वर्क में कुछ टॉपिक आपके एनवायरमेंट के हैं। उसके अलावा पेपर वर्क में जो और रिमेनिंग टॉपिक कम्युनिकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड वो भी मैं कवर करूंगा, और साथ ही साथ पेपर नंबर टू में जो ऑप्शनल पेपर है एनवायरमेंट का वो मैंने यहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कवर करने का। तो यहां पे ईपी एक्ट का बेसिक बैकग्राउंड में समझते हैं कि कहानी क्या थी। सबसे पहले याद रखिए भारत के संविधान में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डायरेक्ट प्रोविजन नहीं था। भारत के संविधान में जब लिखा गया डॉक्टर बी आर अंबेडकर की चेयरमैनशिप में, एक भी आर्टिकल आपका एनवायरमेंट पर बेस्ड डायरेक्ट प्रोविजन नहीं था, डायरेक्टली कुछ भी एनवायरमेंट के बारे में बात नहीं लिखी गई थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि एनवायरमेंट की चर्चा हमारे देश में होने लगी, यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस होता है 1972 में, यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस होता है स्टॉकहोम कहां पे, स्वीडन में, स्टॉकहोम आपका है स्वीडन में, यहां पे 1972 में यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें कि पहली बार एनवायरमेंट के मुद्दे पे ह्यूमन एनवायरमेंट के मुद्दे पे बात की गई। भारत ने, इंडिया ने भी इसमें, इस पर्टिकुलर ये आपका कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। जब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया तो इंडिया ने इसमें अपनी प्लेज रखा मेंबर्स के साथ में कि हाँ हम भी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लेकर आएंगे जिसमें हम एनवायरमेंट को लीगली एनफोर्स कर सकें, उसको बैकिंग दे सकें। ऐसा इन्होंने 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में स्वीडन में जाके भारत की सरकार के प्रतिनिधि जो गए उन्होंने बात रखी। उसके बाद देखेंगे जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन आपका हुआ 1972 में 5 जून से, ये आपका 5 जून से और 16 जून 1972 में ये कॉन्फ्रेंस होता है। जब ये कॉन्फ्रेंस कंक्लूड होता है जो हमारे देश के प्रतिनिधि वहां पे शपथ देके आते हैं कि हाँ हम इस बात को करेंगे, इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहां पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, कौन सा एक्ट लेकर आए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में 1972 में पारित किया गया इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन WPA एक्ट 1972 तुरंत पारित किया गया। उसके बाद देखते हैं आगे का चेंज होते हैं,
तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ बेसिक बात, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ बेसिक बात। पहली बात, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है ये कब हुआ, इसका आपका 5th to 16 जून, 5th to 16 जून 1972 को स्वीडन में कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट। ये पहली बार ये किसी कॉन्फ्रेंस में फोकस किया गया स्टेट ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट, ग्लोबल एनवायरमेंट और इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के रिलेशनशिप को यहां पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, उस पर एम्फेसिस किया गया इस पर्टिकुलर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद एम्फेसिस किया गया कि कैसे हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो है, जो समस्या प्रदूषण की है, समस्या उस समय ग्लोबल वार्मिंग की भी दिख रही थी, उससे कैसे लड़ें, और उसमें हम सोशल इकोनॉमिक और डेवलपमेंट की पॉलिसी में कैसे इन्वायरमेंट को हम इनकॉर्पोरेट करें, इन सब बातों पे यूनाइटेड नेशन की इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा डिस्कशन किया गया। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसने फाउंडेशन रखा इंडिया का इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल इश्यूज को एनफोर्स करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 बहुत ही मायने रखता है भारत में, ये तमाम चीज जो आती है ना एनवायरमेंट संबंधी, इसका आप फ्लैशबैक में जाके देखेंगे कहीं ना कहीं फाउंडेशन ये कॉन्फ्रेंस है। तो जो हमारा ये शपथ लेकर आ गए, उसके बाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आपके आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए, नंबर वन देखेंगे आप यहां पर 42nd अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया, 1976 में 42nd अमेंडमेंट। इसमें क्या, इस अमेंडमेंट में एक आर्टिकल जोड़ा गया संविधान भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 48A जो डील करता है स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेव गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। सीधी सी बात है, भारत इंडिया स्टेट का मतलब है इंडिया। इस आर्टिकल 48 में कहा गया कि इंडिया पूरा एंडेवर, पूरा प्रयास करेगा कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, इन्वायरमेंट को सुरक्षा कवच पहनाए, और साथ ही साथ हमारे जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ कंट्री की, उसको भी सेफ गार्ड दिया जाए। ये इस आर्टिकल 48 है कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd में बात कही गई। फिर उसके बाद आपका आर्टिकल 51 है जो कि हमारा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 50 बने, उसके अंदर आप देखेंगे उसमें बात करेंगे डीपीएसपी आर्टिकल 48 में। फिर आर्टिकल 51 है जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से मौलिक कर्तव्य से डील करता है, वहां पर भी आपकी बात इन्वायरमेंट की यहां पर रख दी कि आपके मौलिक कर्तव्यों में हम सबकी ड्यूटी है। ये आर्टिकल 51A का वर्बाटिम स्टेटमेंट, हम सबकी ड्यूटी है कि एवरी सिटीजन ऑफ दिस इंडिया to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife। मतलब इसमें बात की गई कि हम सबका मौलिक कर्तव्य, हम सबकी फंडामेंटल ड्यूटी है, हम के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, फॉरेस्ट को, लेक्स को, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 50 बने में रखेगी। और साथ ही हम एनवायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए भी हर संभव प्रयास यहां पे करेंगे। ये बात आर्टिकल 51 है फंडामेंटल ड्यूटी में कही गई। तो ये आपके आर्टिकल 48 है और आर्टिकल 51A जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट जो किया गया 48 जोड़ा, उसके बाद आर्टिकल 51 है जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में। तो दो आर्टिकल संविधान में अब आज की डेट में डायरेक्टली डील करते हैं एनवायरमेंट का, यहां पे डायरेक्ट प्रोविजन है। तो बेसिक बैकग्राउंड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, उसके बाद ये चीजें अस्तित्व में आती है। तो दोनों आर्टिकल्स को आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद ऐसी दुर्घटना, अभी मैं भोपाल में मेरी पोस्टिंग, जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत था, भोपाल मेरी पोस्टिंग थी, मैं जानता हूं भोपाल में पर्सनली मेरा अनुभव, पर्सनली एक्सपीरियंस है, वहां पे लोगों से मेरी पर्सनली बात भी हुई है। भोपाल का डिजास्टर, भोपाल में डिजास्टर 2nd दिसंबर 1984 को भोपाल में बहुत बड़ी त्रासदी होती है, कई लोगों की जान इसमें आती है। आज तक जब लोग उस 84 के इवेंट को सोचते हैं वो कांप उठते हैं। ये घटना रात के समय इवेंट हुआ था। अब देखिए इसमें क्या हुआ था,
भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी, जिस हजार्डस गैस की वजह से तमाम डेथ वहां पे रजिस्टर की गई। तो जब ये आपका ये ट्रेजेडी हुई तो सरकार ने ऑब्जर्व, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया कि भारत में उस समय को ऐसा एक्ट था ही नहीं। हालांकि एयर एक्ट था 1981 का, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट था 1974 का, लेकिन इस तरह की समस्याओं से लड़ने के लिए, हजार्डस गैस जब निकलती है उससे लड़ने के लिए भारत में कोई भी एक्ट उस समय मौजूद नहीं था, कोई भी एक्ट नहीं था। तो अब सरकार ने सोचा कि ऐसा क्या करें कि हजार्डस सब्सटेंसेस की समस्या से निपटा जा सके, तब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का आपका जन्म होता है। तो एनवायरमेंट आप कह सकते हैं कि जो भोपाल डिजास्टर था ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट था, इसने इग्नाइट करा उस बात को कि अब भारत में आवश्यकता आ गई है ऐसे एक्ट को लाने की, ऐसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन को लाने की जिसमें कि सारे एनवायरमेंट की समस्याएं हजार्डस सब्सटेंसेस भी इनकॉर्पोरेट हों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। देखिए सजल मिश्रा जी, ये टॉपिक आप किसी भी एग्जाम में इंक्लूडिंग यूपीएससी, यूपीएससी का मैंने मेंस दो बार क्वालिफाई किया उसके एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी का फाइनल अभी आईआरएस है, एक दो मेरे जानकार हैं, उनके अनुभव से बोल रहा हूं, ये जो एक्ट है ना आपका, ये एक्ट आपका यूपीएससी में ही पूरी हेल्प करेगा अगर आप दे रहे हैं तो। यूजीसी नेट में तो बहुत फायदेमंद है, यूजीसी नेट ने बहुत फायदेमंद है, उसके अलावा बीएड जिस भी एग्जाम में, जिसके एग्जाम सिलेबस में ये एक्ट है, मैंने वहां पे सारे पहलू कवर करने की कोशिश की है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। बस एक बार रिवाइज कर लेना, मैंने सारी बातें बेसिक से एंड तक आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहां पे भोपाल गैस स्ट्रेटजी का जो 2 दिसंबर 1984 का इंसिडेंट था, इसने जो है गवर्नमेंट को जगाया, इग्नाइट किया कि ऐसा कानून लाओ जिससे हम हजार्डस सब्सटेंसेस को कंट्रोल कर सके। तो ये लैकुना जो हमारे देश में लेजिस्लेटिव लैकुना था, बॉटल नेक्स थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया। और आप देखेंगे इसके रिजल्ट के तौर पे जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था ये आपका ट्रिगरिंग पॉइंट रहा, इसने इसको ट्रिगर किया कि हम ऐसे रूल बनाए, हम ऐसे एक्ट बनाए जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हो, जिसमें उस एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन में आपका स्टोर, हैंडलिंग और यूज ऑफ हजार्डस वेस्ट, हजार्डस वेस्ट का यूज, हजार्डस वेस्ट की हैंडलिंग, हजार्डस वेस्ट का स्टोरेज, इसके भी प्रावधान हो, सभी चीजें, एयर का हो, वाटर का हो, और साथ साथ हजार्डस सब्सटेंसेस की बात भी हो। तो 1986 में हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है इस एक्ट को पारित कर देती है, जो कि आपके सिलेबस में ईपीए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये इसका बैकग्राउंड था। अब ये एक्ट आपका अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, इसका क्या मतलब है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, जब भी आप इस एक्ट को पढ़ेंगे किसी भी किताब से पढ़ें ये वर्ड मिलेगा आपको, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, इसका मतलब क्या है। अम्ब्रेला क्या होता है, चारों तरफ कवर करती है, 360 डिग्री में स्पैन में काफी चीजें कवर करती है, पूरा ओशन कवर कर लेती है, बारिश से बचाती है। उसी तरह से ईपी एक्ट में आपके वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981, हजार्डस सब्सटेंसेस से जुड़ने वाली समस्याएं और भी बहुत सी बातें इस सिंगल एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर ली गई है, इसीलिए इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है। मैं आगे बताऊंगा डिटेल में कौन कौन से प्रोविजन इसमें इंक्लूड किए गए। तो ये आपका एक भोपाल गैस स्ट्रेटजी का पॉइंट नोट कीजिएगा, एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बात करते हैं, तो हमने बेसिक समझ लिया बैकग्राउंड, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, क्यों एक्ट बनाया गया। सिंगल लाइन आंसर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद दिया है, इसका जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद दिया है। इस एक्ट का पर्पस क्या है, जो कि इसके नाम से भी क्लियर है, इस एक्ट का पर्पस है कि आपको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट तो करना ही है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट तो करना है, पर आपको एनवायरमेंट को इंप्रूव भी करना है, पर्यावरण का जो आपका वातावरण है ना उसको इंप्रूव करना है, ऐसे कदम उठाने हैं कि गैसेस जो है पॉल्यूटेड गैसेस वो कंट्रोल में आ सके। तो प्रोटेक्शन प्लस इंप्रूवमेंट, ये इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव, पी प्लस आई, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का एक्ट है, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में लाया गया, और अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है जिसने काफी सारे एक्ट्स को आपस में इनकॉर्पोरेट या उसमें इंक्लूड कर लिया। तो ये प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट इसका मेन ऑब्जेक्टिव। आगे देखिए डेट किस तारीख को फोर्स में है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है किस तारीख को अस्तित्व में आता है, 19 नवंबर
19 ईयर तो याद है लोगों को, लोगों को ईयर तो याद है पर डेट भी याद रखिए, 19th नवंबर 1986 को ये एक्ट आपका एग्जिस्टेंस में आता है, नंबर वन। नंबर टू, ये एक्ट आपका इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, इंडिया की कंप्लीट टेरिटोरी में ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के हिस्से में, पूरे टेरिटरी में एप्लीकेबल होता है। जम्मू कश्मीर जो अब हमारा पहले उस समय स्टेट था, अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो कई एक्ट पारित होते थे जिसमें लिखा रहता था कि एक्सेप्ट जेएनके, जब जेएनके उस समय स्टेट था, लेकिन इस एक्ट में उस टाइम पर भी जेएनके को शामिल किया गया था। इट एक्सटेंड अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द नेशन। दिस एक्ट वॉज पास टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड फॉर मैटर्स, जितने भी मैटर जो प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंट के इंप्रूवमेंट से डील करते हैं, उन सब के कंसर्न इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। येट आपको सर्टेन पावर, गवर्नमेंट को बहुत सी पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो ऐसे मेजर्स, ऐसे कदम उठाएं जिससे कि हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव हो सके, और हमारे एनवायरमेंट की जो क्वालिटी है, एनवायरमेंट की क्वालिटी उसमें सुधार हो सके, एनवायरमेंट पॉल्यूशन से बच सके। ये सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, सेंटर गवर्नमेंट को पावर देता है, ये याद रखिएगा। ये एक्ट सेंटर गवर्नमेंट को एम्पावर्ड करता है। तो बेसिक सी बात, डेट देख लीजिए यहां पे 19 नवंबर 1986, उसके बाद एक्ट का ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, और सेंटर गवर्नमेंट को शक्तियां पावर प्रोवाइड करता है, ये तीसरी बात थी। मैंने कहा ना आपसे, जो एक्ट का जो चैप्टर नंबर वन, चैप्टर वन में सेक्शन नंबर टू, सेक्शन नंबर टू डील करता है डेफिनेशन से, जिसे एक्ट में जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है उन डेफिनेशन परिभाषाओं को लिखा हुआ है। तो यहां पे पहली टर्म जो है आपके एक्ट में डिफाइन की गई है, वो एक्ट के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है। तो बेसिक बात, एनवायरमेंट से मतलब है आपका वाटर, एनवायरमेंट में आपका वाटर भी इंक्लूड है यहां पे, एनवायरमेंट में खाली एयर नहीं, वाटर भी यहां पे इंक्लूड है, एनवायरमेंट में एयर भी इंक्लूड है, एनवायरमेंट में लैंड भी इंक्लूड है, और एनवायरमेंट में इनके बीच के इंटर रिलेशनशिप को भी इन्वॉल्व किया गया है डेफिनेशन में, which exist among and between water, air and land। साथ साथ land, water, air का जो इंटर रिलेशनशिप ह्यूमन बींग और लिविंग क्रिएचर्स में होता है, उसको भी एनवायरमेंट की परिभाषा में शामिल किया गया है, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो याद रखिएगा, यहां पे एनवायरमेंट में लैंड भी है, एनवायरमेंट में वॉटर भी आ रहा है, एनवायरमेंट में एयर भी आ रहा है, और लैंड, वॉटर, एयर का जो इंटर रिलेशनशिप इनके बीच में एग्जिस्ट करता है, साथ साथ ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, वो भी एनवायरमेंट की परिभाषा में शामिल किया गया। तो सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात नहीं, यहां पर लैंड पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी यहां पर शामिल है। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट सीधी सी बात है कि कोई भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसियस, कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फेस में वो आपका यहां पे शामिल किया गया। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, CO2, क्या CO2 पोल्यूटेंट है, क्या CO2 एक पोल्यूटेंट है, इसका जवाब देखो कमेंट से बताएगा, मुझे कमेंट से बताएगा कि CO2 क्या कोई पोल्यूटेंट है, CO2 को हम पोल्यूटेंट मान सकते हैं क्या। अगर आप डिटेल में सोचेंगे तो CO2 एज सच कोई पोल्यूटेंट नहीं है, इट्सेल्फ पोल्यूटेंट नहीं है। CO2 इट्सेल्फ, क्योंकि CO2 की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, CO2 जो होता है फोटोसिंथेसिस, तो वो इट्सेल्फ पोल्यूटेंट नहीं है। लेकिन जब CO2 का कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर चले जाता है, तो क्या होता है आपका, ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो CO2 इट्सेल्फ आपका पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन एक लिमिट के ऊपर चले जाए तो वो पोल्यूटेंट बन जाता है। इसीलिए इसमें वर्ड यूज किया गया है कि अगर कोई आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसीय सब्सटेंस जो इट्सेल्फ किसी भी कंसंट्रेशन में पोल्यूटेंट है, तो शामिल किया जाएगा। यदि वो सब्सटेंस आपका एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर एग्जिस्ट करता है और उस कंसंट्रेशन में होता है कि वो नुकसान पहुंचा रहा है, उसको भी यहां पे शामिल किया जाएगा। ये सेक्शन नंबर टू, सेक्शन नंबर टू का बी क्लॉज, सेक्शन नंबर टू के बी क्लॉज में एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट की बात कही गई है। उसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन में क्या आएगा, इट मींस द प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट इन द एनवायरमेंट, कोई भी तत्व जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल रखता है,
उसको एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में शामिल किया गया है। तो ये आपके सेक्शन नंबर टू में मेन डेफिनेशन एनवायरमेंट की परिभाषा, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट की परिभाषा और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट दोनों का डिफाइन यहां पे अच्छे से किया गया। ये डेफिनेशन आपको एग्जैक्टली अगर ऑप्शन में आता है तो यही आपको टिक करके आना है। आगे देखिए एक और डेफिनेशन है यहां पे हजार्डस सब्सटेंस की, एक और डेफिनेशन है यहां पे हजार्डस सब्सटेंस की। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस या ऐसा कोई भी प्रिपरेशन सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी चीज एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन के ऊपर जिसको किसी रीजन से केमिकल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी केमिकल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज और हैंडलिंग, जिसकी हैंडलिंग में इज लायबल टू कॉज हार्म टू ह्यूमन बीइंग, या तो उसकी स्टोरेज से या उसकी हैंडलिंग से, या उसकी हैंडलिंग या उसकी स्टोरेज से हम इस तरह की इसकी प्रॉपर्टीज फिजियोकेमिकल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पजेस करता है ये पर्टिकुलर सब्सटेंस कि वो इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। ह्यूमन बीइंग के साथ साथ यहां पे लिविंग क्रिएचर्स का भी डिस्क्रिप्शन में इस डेफिनेशन में मेंशन है। तो ऐसा नहीं सिर्फ इंसान को, लिविंग क्रिएचर को, प्लांट्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और प्रॉपर्टीज को, ताजमहल को, ताजमहल को अगर आप देखेंगे कि ताजमहल को भी को SO2 नुकसान पहुंचा रहा है तो वो पॉल्यूटेंट माना जाएगा। ऐसा नहीं सिर्फ इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचा है, यदि किसी प्रॉपर्टी को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी कोई सब्सटेंस जिसकी स्टोरेज या हैंडलिंग से नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा पोटेंशियल लगता है वो, तो हजार्डस सब्सटेंस की कैटेगरी में शामिल किया गया एज पर द डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट। तो ये आपकी चार परिभाषा, एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्या है, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट क्या है और चौथा हजार्डस सब्सटेंस क्या है, ये आप देख लीजिए सेक्शन नंबर टू में 2D में डिफाइन की गई है। अब सेंटर गवर्नमेंट की, मैंने कहा ना आपको ये एक्ट जो है सेंटर गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को तमाम शक्तियां पावर प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी पावर इसे सेंटर गवर्नमेंट को यहां प्रोवाइड किए अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। पहली चीज, ये जो एक्ट है, ये जो आपका एक्ट है सेंटर गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो ऐसे सारे मेजर्स उठा सकती है जो कि नेसेसरी है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट एंड प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड अबेटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ऐसे कोई भी कदम सरकार पे पूरा फ्री है, पूरी खुली छूट है, केंद्र सरकार ऐसा कोई भी कदम उठा सकती है। दिल्ली एनसीआर रीजन में केंद्र सरकार ने भी कदम उठाए, दिल्ली सरकार ने तो उठाए, केंद्र सरकार ने भी कई कदम उठाए थे। आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI सरकार के द्वारा उठाया गया कदम, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स सरकार के द्वारा उठाया गया कदम, सफर इंडेक्स SAFAR सफर इंडेक्स, ये सब क्या है, सरकार ने आपके कदम उठाए हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सेंटर गवर्नमेंट को इस एक्ट के तहत तमाम शक्तियां पावर दी गई है, वो ऐसे कोई भी कदम उठा सकता है जिससे कि एनवायरनमेंट इंप्रूव हो, एनवायरनमेंट का प्रदूषण दूर हो और फ्यूचर के खतरे से बचा जा सके, प्लस प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अवॉइडमेंट ऑफ एनवायरनमेंटल पोल्यूशन, ये भी आपका इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन बाय द स्टेट, केंद्र सरकार को जिम्मेदारी है कि भारत के तमाम राज्य उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पावर है। कोऑर्डिनेशन स्टेट के बीच में एस्टेब्लिश करना सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर। फिर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, किसी भी चीज को करने के लिए प्लानिंग जरूरी है, उसका इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, एग्जीक्यूशन जरूरी है। तो प्लानिंग, प्लान बनाना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से लड़ने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करना, तो यहां पे अगेन प्रिवेंशन, कंट्रोल, अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए प्लान और एग्जीक्यूट करने का जो पूरा ढांचा, पूरा मैकेनिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रव्यू में आ रहा है, इसको आप याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रव्यू में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके जो तीन मैंने बातें करी उसमें दो और पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करेगी कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस उसका कितना एमिशन डिस्चार्ज कितना होना चाहिए, एक लिमिट कि इस लिमिट के ऊपर कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी या कोई भी फर्म इस लिमिट के ऊपर उस पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट को रिलीज नहीं कर सकती। तो वो जो स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करना है
कि कितने लिमिट के ऊपर कोई पोल्यूटेंट जाएगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है। उसके अलावा ये स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये याद रखिएगा। फिर रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एरियाज इन विच एनी इंडस्ट्री ऑपरेशंस और प्रोसेस और क्लास ऑफ इंडस्ट्री ऑपरेट। मान लीजिए कोई स्कूल का एरिया है, कोई रेसिडेंशियल एरिया है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल है, तो उसके पास वो सरकार चाहे केंद्र सरकार चाहे तो पाबंदी लगा सकती है कि हॉस्पिटल के 2 किलोमीटर के दायरे में, स्कूल के 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी इंडस्ट्री नहीं होगी, कोई भी ऐसा आपका फैक्ट्री नहीं होगी जो पॉल्यूटेंट को एमिट करे। तो गवर्नमेंट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस को भी इम्पोज कर सकता है कि एक पर्टिकुलर किलोमीटर के ऊपर, एक उस रेंज के ऊपर आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लग सकती। ये केंद्र सरकार को शक्ति यहाँ पे दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे बात करते हैं। उसके अलावा ऐसे प्रोसीजर को स्टैब्लिश करना, ऐसे प्रोसीजर मैकेनिज्म को ले डाउन करना जिससे हम हजार्डस सब्सटेंसेस से बच सकें, हजार्डस सब्सटेंसेस की हैंडलिंग स्टोरेज के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करना, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीव्यू में। हजार्डस सब्सटेंस के लिए एक प्रॉपर आपने प्रोसीजर सेफ गार्ड मैकेनिज्म बनाए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीव्यू में दिया गया है। उसके अलावा ऐसी तमाम एक्टिविटीज लाइक रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, R&D, किसी भी प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन, किसी भी प्रीमाइस, किसी भी इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल, अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव करने के लिए केंद्र सरकार यहां पर तमाम एक्टिविटीज लाइक इन्वेस्टिगेशन, लेबोरेटरीज बना के वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, R&D, ऐसे इंस्पेक्शन के मैकेनिज्म लेके आना कि किसी भी प्रमाइसेस को कोई भी अधिकारी जाके वहां पर इंस्पेक्ट कर सके रियल टाइम मैनर में। तो ये सारी शक्तियां आपकी अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीव्यू में रखी गई है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनवायरमेंटल लैबोरेटरीज, देखिए प्रदूषण की समस्या से लड़ने के लिए लैबोरेटरीज का बनना भी जरूरी है। तो एनवायरमेंटल लैबोरेटरीज जो एस्टैब्लिश करें कि कौन, कैसे हम तकनीक, कैसे हम मैकेनिज्म बनाएं जिससे हम जो गैसेज एमिट हो रही है उसका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम कर सके, ये भी आपकी जिम्मेदारी। R&D के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के पॉल्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट लेबोरेटरीज एस्टैब्लिश कर सकती है। ये सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर EPA एक्ट में डिस्क्राइब्ड है। अब जो मैंने बात करी आपसे, आपके सिलेबस में चूंकि पूरा एक्ट है तो सेक्शंस भी दिए हुए हैं। सवाल मैंने देखे प्रीवियस ईयर में सेक्शन पर बेस्ड भी आते हैं UGC नेट में, तो सेक्शन आपसे पूछ ले। तो देखिए जो सेक्शन नंबर 3 है, या एस मतलब सेक्शन, सेक्शन नंबर 3 डील करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जनरल पावर से। सेंट्रल गवर्नमेंट की जनरल पावर सेक्शन नंबर 3 में, जैसे कि उसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं, सारे मेजर्स एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया, ऐसे सारे स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करना जिससे एनवायरमेंट की क्वालिटी इंप्रूव हो, पॉल्यूटेंट्स हैं उन पे असर पड़े, नेशन वाइड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एरिया फॉर इंडस्ट्री, किसी पर्टिकुलर एरिया के रेडियस में इंडस्ट्री आपकी फल फूल नहीं सकती, इंडस्ट्री नहीं लग सकती, स्कूल, हॉस्पिटल और आपके रेसिडेंशियल एरिया, उसका रेस्ट्रिक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जनरल पावर में आता है। इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन, ये भी सरकार रूल्स बना सकती है इसके लिए। फिर प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल्स, कोड एंड गाइड्स, मैनुअल बनाना, कोड, गाइडलाइन तय करना, इस पर्टिकुलर सेक्शन में जनरल पावर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जनरल पावर सेक्शन नंबर 3, ये सेक्शन नंबर 3 है, ये आप याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 3 में ये सारी शक्तियां आ रही है। ऐसा भी सवाल आता है सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, कौन सेक्शन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जनरल पावर से डील करता है, तो सेक्शन नंबर 3। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकती है ऑफिसर्स को, उनको पावर एंड ट्रस्ट कर सकती है ताकि वो फंक्शन प्रॉपरली कर पाए इस पर्टिकुलर एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, सेक्शन नंबर 4। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट करना सेक्शन नंबर 4 में आ रहा है, सेक्शन नंबर 4। फिर आपका सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 डील करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है डायरेक्शंस के लिए,
सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को, किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकती है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को क्लोज कर दो, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कर दो डिस्कनेक्ट, उसके वाटर सप्लाई कर दो डिस्कनेक्ट। सरकार को लगता है कि वो इंडस्ट्री प्रदूषण फैला रही है, कानून के उल्लंघन कर रही है, कानून जो लॉ है उसका कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट यहां पर डायरेक्शन दे सकती है, क्लोज द डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक सप्लाई क्लोज, वाटर सप्लाई क्लोज टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, दैट पर्टिकुलर फर्म। ये सेक्शन नंबर 5 में आपका प्रिस्क्राइब्ड है। फिर आपका सेक्शन नंबर 6 गवर्नमेंट को एम्पावर करता है ऐसे रूल्स बनाने के लिए जिससे हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रेगुलेट कर सकें, ऐसे रूल बनाने के लिए। सेक्शन नंबर 6 कौन कौन से मैटर्स हैं, आप एयर की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कर सकें, आप मैक्सिमम अलाउबल लिमिट पॉल्यूटेंट का वहां पे थे कि एक पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट का लिमिट इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ये सेक्शन नंबर 6 में गवर्नमेंट को पावर दी गई है। उसके अलावा ऐसे प्रोसीजर बनाना जिससे हम हजार्डस सब्सटेंस को डील कर सकें, जो मैंने पहले बताया हजार्डस सब्सटेंस को डील, उनके हैंडलिंग के लिए जो रूल सरकार बनाती है वो पावर इसको सेक्शन नंबर 6 से मिल रही है। तो सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 गवर्नमेंट की पावर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। फिर आपका लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए अगेन सेक्शन 6 और प्रोसीजर एंड सेफगार्ड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, भोपाल जो ट्रेजेडी है वैसे एक्सीडेंट फ्यूचर में ना हो, उसके लिए प्रोसीजर्स या रूल्स बनाना, ये भी आपका गवर्नमेंट का सेक्शन 6 में प्रिस्क्राइब्ड है। तो यहाँ पे आपके टोटल 4 सेक्शन सरकार के, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, जो कि गवर्नमेंट की पावर से डील करते हैं। तो हमने अब तक बेसिक बैकग्राउंड पे बात की। देखिए क्लास टाइमिंग का ये रहेगा, जस्टिस जी पूछे क्लास टाइमिंग, मैं ये बात करूंगा आपसे, क्लास टाइमिंग जो मेरी रहती है वो जनरली या तो आपको मिलेगी 7:15 पे या फिर 10:30 या फिर 10:30, 10 या 10:30 बजे या 7:15, इन दो में से एक टाइम मेरा रहेगा आपका YouTube क्लास का, YT क्लास का। और जो अर्न अकेडमी का प्लस कोर्स है वो 7 मई से स्टार्ट करूंगा, वहां पे भी 9:30 या 10 बजे मेरी क्लास मिलेगी आपको। स्पेशल क्लास भी मेरी जनरली नाइट में रहती है 9:30 to 10 o'clock। तो ये नॉर्मल एक हमने जो बात करी, ईपी एक्ट का बैकग्राउंड देखा, उसके सरकार की शक्तियां देखी, अब हम पीनल प्रोविजंस की बात करते हैं। इस एक्ट के तहत क्या पेनल्टी क्लॉजेज है, कौन से पेनल्टी क्लॉजेज है, तो देखिए इंपॉर्टेंट है आपका पीनल प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट। तो पहली बात देखिए, कोई भी एक्ट पढ़ते हैं आपके सिलेबस में भी डिस्क्राइब्ड है और पर्टिकुलर सवाल भी ऐसा आता है कि कोई एक्ट दिया हुआ है उसमें कितनी पेनल्टी लगेगी, क्या पीनल प्रोविजन है और कौन से सेक्शन के तहत कितनी पेनल्टी इंपोज कर सकती है केंद्र सरकार। तो यहां पे देखेंगे जो पेनल्टीज है, अगर आपने इस इंडस्ट्री ने, किसी फर्म ने, किसी इंडिविजुअल ने यदि एक्ट, जो हमारा एक्ट है उसके सेक्शंस का कॉन्ट्रावेंशन किया, तो उसके लिए यहां पे जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट 5 साल, 5 ईयर्स तक का हो सकता है। पहली बार उसने ये फेलियर है कॉन्ट्रावेंशन के सेक्शंस का, तो 5 साल तक की सजा या फिर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों, 5 साल की सजा, 5 ईयर की आपका पनिशमेंट या 1,00,000 तक का जुर्माना, या दोनों, ये आपका फर्स्ट क्लॉज। उसके बाद यदि वो इंडिविजुअल ऐसा नहीं मानता, उसके बाद वो जो फैक्ट्री है फिर भी लगातार पॉल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में एमिट करती रहती है, तो उस केस में यहां पे एडिशनल फाइन 5,000 रुपए का एडिशनल फाइन एवरीडे, लगातार हर दिन 5,000 रुपए का एवरीडे फाइन उसको भुगतना पड़ेगा इस चीज के वॉयलेशन के लिए लगातार। उसके बाद भी वो अगर फैक्ट्री या वो जो फर्म है वो नहीं सुधरती और पॉल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में लगातार एमिट करती रहती है, उस केस में, उस फेलियर में, उस कॉन्ट्रावेंशन में आपका एक साल से ज्यादा हो गया, वो कंपनी नहीं मान रही, उस पर ये 5 साल की सजा भी लग गई, फिर भी वो स्टिल जो है एटमॉस्फेयर में एमिट कर रही है पॉल्यूटेंट्स को, उस केस में आपका ये जो ऑफेंडर है, ऑफेंडर का पनिशमेंट 7 साल तक बढ़ सकता है, 7 साल तक बढ़ सकता है। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम, अगर सवाल ये आता है कि मैक्सिमम पनिशमेंट की लिमिट है वो कितनी है, 7 ईयर्स, मैक्सिमम पनिशमेंट की लिमिट यहां पे 7 साल 7 ईयर्स है, और पहली बार अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो 5 साल और 1,00,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों, उसके बाद भी नहीं मानते तो हर दिन 5,000 रुपए का 5,000 रुपए का फाइन लगेगा।
उसके बाद भी नहीं मानते तो 7 साल तक की सजा यहां पे हो जाएगी। अब देखिए ये बड़ी विडंबना है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े लॉयर रखती है, बड़े बड़े लॉयर रखती है, तो वो कई बार ये इसमें क्लॉज कानून में लूप होल छोड़ा हुआ है। 5 साल की सजा है या और बढ़े यहां पे और बढ़ और 1 लाख का जुर्माना। तो अपने लॉयर की सहायता से वो 5 साल की सजा वाले प्रोविजन से छूट जाते हैं, 1 लाख रुपए का जुर्माना भर देते हैं। अब जिस कंपनी का टर्नओवर मान लीजिए 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ टर्नओवर है, प्रॉफिट भी कई करोड़ में है, उनके लिए 1 लाख रुपीज की बहुत खास वैल्यू नहीं होती, वो आसानी से पैसा देके छूट जाते हैं और वापस अपनी इंडस्ट्री चालू कर देते हैं। अब यहां पे जरूरत है इस एक्ट को लेटर एंड स्प्रिट में इंप्लीमेंट करने की, सिर्फ कागज में लिखा नहीं होना चाहिए, वास्तव में इंप्लीमेंट होगा तभी ये प्रोविजंस सख्ती से देश में अप्लाई हो पाएंगे। तो यहाँ पे कोई अंबानी साहब हो, अड़ानी साहब हो, कोई भी हो, अगर वो कानून का उल्लंघन करेगा, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेंट जो है एमिट करेगा, उसके लिए स्ट्रिक्टली प्रोविजन अप्लाई होने चाहिए। तो एक चीज जो आपको याद रखनी इस एक्ट में कि यहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट की लिमिट कितनी है, टोटल 7 ईयर्स। मैंने आपसे कहा कि कौन से सेक्शन में कौन सा पीनल प्रोविजन है उसको देख लीजिए, तो आपका जो सेक्शन नंबर 15 है, सेक्शन नंबर 15 वो बात करता है मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स की। सेक्शन नंबर 15 बात करता है मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर की। सेक्शन नंबर 16 बात करता है कि आपका कोई डिफॉल्टर कंपनी है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, डायरेक्टर है, उनको भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, तो कंपनी के डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी बनती है, वो सेक्शन नंबर 16 में यहाँ पे मेंशन है। फिर द एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी इस पीनल प्रोविजन के दायरे में है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यदि वो पोल्यूटेंट कर रही है फैक्ट्री वहां से तो छूट जाएगी, नहीं, यदि एनटीपीसी, सेल और गेल ऐसी कंपनीज भी पोल्यूटेंट्स को रिलीज करती है तो वो भी कवर्ड है, और वहां पे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हेड एचओडी, वो रेस्पॉन्सिबल होगा इस पनिशमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 के अकॉर्डिंग एचओडी वहां पे रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट फर्म्स, यदि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की कंपनीज भी इस एक्ट का उल्लंघन करती है, कॉन्ट्रावेंशन करती है, तो एज पर सेक्शन 17 दे आर आल्सो लायबल फॉर द पनिशमेंट, सजा एचओडी को मिलेगी जो कि रेस्पॉन्सिबल है उस कंपनी को चलाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिए। फिर बात करते हैं प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट 1986, पीसीए। इस एक्ट में एक टर्म है पीसीए, प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ 1986 एक्ट, उसके तहत क्या बात लिखी गई है देखेंगे। पहली बात ईपीए याद रखिएगा, प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट, उसके तहत कोई भी पर्सन, कोई भी इंडस्ट्री, नो पर्सन, नो इंडस्ट्री इज अलाउड टू पॉल्यूट द एनवायरमेंट। सेक्शन 7 बोलता है कोई भी इंडिविजुअल, चाहे कोई भी हो, किसी पद पे हो, एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं कर सकता, अलाउ नहीं है, सेक्शन 7। उसके बाद सेक्शन 9 में प्रोसीजर और प्रोसेसेस ले डाउन किए गए हैं पॉल्यूशन से निपटने के लिए, सेक्शन नंबर 9 में इस पर्टिकुलर टर्म के अकॉर्डिंग। फिर मॉनिटरिंग अथॉरिटी कैन कैरी आउट इंस्पेक्शन, कोई भी अथॉरिटी इंस्पेक्शन कर सकती है, जो अथॉरिटी इंस्पेक्शन करेगी सेंटर गवर्नमेंट उसके लिए रूल्स बनाएगी, तो यहाँ पे मॉनिटरिंग अथॉरिटी कैन कैरी आउट इंस्पेक्शन, सेक्शन नंबर 10। फिर आपका सैंपल, देखिए हमको सैंपल भी कभी कभार इंडस्ट्री प्रूफ करने के लिए कि यहाँ पे एमिशन हुआ है वाटर से, ये इस इंडस्ट्री से वाटर में पॉल्यूटेंट आया है, उसको प्रूफ करने के लिए आपको वाटर का सैंपल लेना पड़ेगा, तो सैंपल के लिए पावर भी इस एक्ट में दी गई है एज पर सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग आपके पास पावर है कि आप सैंपल्स को पिक कर सकते हैं, सैंपल्स को ले सकते हैं। फिर सैंपल्स को टेस्ट करना एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज में, सैंपल्स ले लिए फिर उसको टेस्ट करना एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज में, उसके लिए भी एक सेक्शन है, वो है आपका सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12। तो सेक्शन 11 तो पावर कि सैंपल कोई अधिकारी जाएगा, वो वाटर का सैंपल या कोई पर्टिकुलर वहां पे एमिशंस हुए हैं उससे रिलेटेड सैंपल कलेक्ट करके आएगा और वो सैंपल की लेबोरेटरी में जांच होगी सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग। तो ये आपके प्रिवेंशन कंट्रोल अबेटमेंट पीसीए, एनवायरमेंट का पॉल्यूशन है उसके पीसीए के लिए ये 7, 9, 10, 11, 12 ये सेक्शंस एक्ट में दिए हुए हैं। ये सेक्शन में आपको इसलिए बता रहा हूं, सवाल कई बार ये भी आके डायरेक्टली पूछ लेता है कि कौन से सेक्शन में कौन सी बात लिखी गई है, तो एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपकी नॉलेज में होने चाहिए।
तो 7, 9, 10, 11, 12 एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब जो हमारा ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले इस लेक्चर की स्टार्टिंग बताया था, ये एक अम्ब्रेला एक्ट है। दिस एक्ट इज अम्ब्रेला एक्ट, ये एक्ट अम्ब्रेला एक्ट है। इसके बारे में बात करते हैं, ये अम्ब्रेला एक्ट क्यों है, ये एक्ट अम्ब्रेला एक्ट क्यों है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस एक्ट में ऐसी क्या बात है, इसको अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है। ये भी सवाल पूछा गया है कि ये एक्ट अम्ब्रेला एक्ट क्यों कहा जाता है, तो देखते हैं इस पर। देखिए ये अम्ब्रेला एक्ट, अम्ब्रेला क्या होता है कि चारों तरफ से कवर करे, 360 डिग्री मैनर में कंप्लीटली कवर करे। तो ये अम्ब्रेला एक्ट इसलिए है क्योंकि इस एक्ट में काफी सारे एक्ट को शामिल कर लिया गया। एयर एक्ट 1981 का एयर एक्ट इसमें इंक्लूड है, वाटर एक्ट 1974 के वाटर एक्ट की बातें इसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो बेसिकली वो दोनों एक्ट अब इस एक तरह से सबस्यूम हो चुके हैं, हालांकि वो एक्ट एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो सारी चीजों पर ये आपका सुपरसीड करेगा। उसके बाद इसमें कई ऐसे रेगुलेशंस बनते रहे समय समय पे, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स 1986, हजार्डस वेस्ट के रूल भी इसी एक्ट के तहत बने हैं, हजार्डस वेस्ट रूल 1989 इस एक्ट के तहत बने हैं। फिर आपका बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट 1998 का इसके तहत, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट 2000 का म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का रूल इस एक्ट के तहत, नॉइस पॉल्यूशन रूल, नॉइस पॉल्यूशन रूल्स 2000 के रूल्स हैं इस एक्ट के तहत, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस रूल ओडीएस, ओडीएस ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस रूल 2000 का इस एक्ट के तहत, बैटरी वेस्ट रूल्स, बैटरी वेस्ट रूल 2001 का इस एक्ट के तहत, प्लास्टिक वेस्ट रूल्स 2011 के, प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए प्लास्टिक वेस्ट वेस्ट रूल इस एक्ट के तहत, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रूल 2011 का इस एक्ट के तहत। तो आप देख सकते हैं यहां पे कई सारे एक्ट्स रूल्स इस एक्ट के तहत कवर्ड हैं, इसीलिए इसको अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है। काफी प्रोविजंस जो कि एनवायरमेंट से पॉल्यूशन डील करते हैं इसमें शामिल इनकॉर्पोरेट कर लिए गए हैं। तो ये बात और देखिए यहां पे, उसके अलावा देखिए कुछ समय समय पे ऐसे लोकल नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे कि यहां पे दून एरिया में, दून वैली एरिया में एक रेस्ट्रिक्शन आया इंडस्ट्री में 1989 का, इसके तहत कवर। फिर उसके कोस्टल रेगुलेशन जोन सीआरजेड, कोस्टल रेगुलेशन जोन सीआरजेड, इसका नोटिफिकेशन समुद्र के कोस्टल बेल्ट में पॉल्यूशन होता है वहां के लिए 1991 का, इसके तहत कवर। फिर आपका ये कुछ तालुका में इको सेंसिटिव जोन बनाए गए, इको सेंसिटिव जोन ईएसजेड, ये भी इसके तहत कवर्ड है। तमाम नोटिफिकेशन आपके निकले लोकल एरियाज में, वो भी इसके की शक्तियों का सहारा लेके क्रिएट किए गए। फ्लाई एश पे नोटिफिकेशन, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई एश जो बनता है 2000 में, उसके अगेंस्ट नोटिफिकेशन। फिर आपका एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में ईआईए, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 2006 का नोटिफिकेशन इसके तहत। तो देख सकते हैं तमाम रूल्स, तमाम नोटिफिकेशन का बेस क्या है, ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसीलिए ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। That's why this act is very critical. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। मैं अगेन इस स्लाइड को बैक कर देता हूं, ये स्क्रीनशॉट एग्जाम में पूछा, यूपीएससी तक में पूछ चुका है, चार ऑप्शन देके पूछता है कि कौन सा रूल जो है ईपीए एक्ट के तहत कवर्ड है, कौन सा कवर्ड नहीं है, वन ओनली, टू ओनली, वन टू थ्री। तो यहां पे एटलीस्ट आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर लेके इसको देख सकते हैं, उसी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपको जनरली एक जगह किताब में कंसोलिडेट नहीं मिलता। अब देखिए जो आपने कानून बनाया है, इस कानून का प्रैक्टिकली कितना यूज है, तमाम केस कोर्ट में गए हैं, कुछ में ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, याद करने की जरूरत नहीं है इसको, ना लिखने की जरूरत है, सुन लीजिए बस खाली। तमाम जो आपके केसेस कोर्ट में गए हैं जिसमें कि जो फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी कंपनी फर्म पे आरोप लगाया है कि उसने एनवायरमेंट को पॉल्यूट किया है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो गए हैं, देहरादून माइनिंग, देहरादून के अंदर जो वैली में माइनिंग का केस था इस एक्ट के तहत कोर्ट में गए, 1987 का केस है। फिर उसके बाद आप देखेंगे डेवलपमेंट स्टॉप कर दिया गया, बैंगलोर मेडिकल ट्रस्ट वर्सेस मुंडप्पा 1991 में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेवलप होता है, एनवायरमेंट का प्रदूषण हो रहा था, इस प्रोजेक्ट को वहां पे स्टॉप कर दिया गया। वेहिकुलर पॉल्यूशन
गाड़ियों से जो पोल्यूशन निकलता है उसके लिए 1991 में एमसी मेहता साहब यूनियन ऑफ इंडिया चले गए थे। अभी जो आपका जो अपनी व्हीकल चल रहा है, जिसपे हम भारत स्टेज सिक्स, तो भारत स्टेज फोर, तो हो सकता है कल को एक आपका कोई कोर्ट में चला जाएगा कि भारत स्टेज फोर जो है उन कंपनियों को कंप्लीटली बैन कर दिया है। अभी कोई भी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी भारत स्टेज फोर का व्हीकल प्रोड्यूस नहीं कर रही है नोटिफिकेशन आने के बाद। पर जिन लोगों के पास में पुरानी व्हीकल BS4 का व्हीकल है लेकिन अभी भी वो उसको चला सकते हैं, हो सकता है कुछ समय बाद नियम आ जाए कि आप BS4 का व्हीकल सड़कों पर रन नहीं कर सकते हैं, जैसा कि ओल्ड डीजल व्हीकल के लिए दिल्ली में नियम आ गया था। तो कोर्ट में जाके इन चीजों पे पाबंदी लगाई जा सकती है इस एक्ट का सहारा लेके। इस एक्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, वाटर गंगा वाटर पोल्यूशन है, गंगा के पोल्यूशन के लिए, यमुना के पोल्यूशन के लिए लोग समय समय पे इस एक्ट का सहारा लेके कोर्ट की दस्तक देते रहे। तो जस्ट मैंने आपको याद नहीं करना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि ये एक्ट कहां कहां पे लगा है। तो देखिए कुछ रूल्स इस पर्टिकुलर जो हमारा एक्ट है, इस एक्ट में काफी सारे रूल्स को भी ले डाउन किया गया है। वो एक्ट बनता है उसके रूल्स आते हैं जिसमें उसकी डिटेल्ड गाइडलाइन एंड प्रोसीजर मेंशन होता है रूल्स के अंदर। तो पहली बात, ये आपका एमिशन का जो रूल्स बने हैं उस रूल्स ने स्टैंडर्ड्स, एमिशन के स्टैंडर्ड्स को ले डाउन किया है किसी पर्टिकुलर पोर्टेंट को लेके। फिर प्रोसीजर को ले डाउन किया है फॉर गिविंग डायरेक्शन अंडर सेक्शन 5 ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने देखा सेक्शन 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शक्ति है कि वो डायरेक्शन दे सकता है, उसका भी रूल बनाए। ऐसे तमाम रूल आपके रेस्ट्रिक्शंस ऑन लोकेशन को लेके, सैंपल को लेके, कोई पर्सन जो है कंप्लेन फाइल करता है उसका फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए, किस ऑफिस में आके कंप्लेन करे, ये तमाम रूल बनते रहे हैं और आगे भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो कोई एक्ट बनता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर रहते कि वहां पे रूल्स में चेंज कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहां पूरी पावर है कि रूल्स में मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट समय समय पे किए जा सकते हैं। तो ये रूल्स इस एक्ट के तहत, आगे बात करते हैं हम, कुछ शेड्यूल्स भी इस एक्ट में मेंशन है, शेड्यूल भी मेंशन है। तो टोटल यहां पे देखेंगे 4 शेड्यूल को मैंने बताया, 4 शेड्यूल्स, चैप्टर भी 4 है, शेड्यूल भी 4 बता रहा हूं आपको। शेड्यूल 1 जो कि आपका ले डाउन करता है, शेड्यूल 1 ले डाउन करता है प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर 87 डिफरेंट इंडस्ट्री। कॉटन की इंडस्ट्री है, कॉपर की इंडस्ट्री है, आयरन की इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो आपका एमिशन होता है उसके लिए शेड्यूल 1 में कुछ प्रोसीजर, कुछ स्टैंडर्ड ले डाउन किए गए हैं। शेड्यूल 2 जो है वो नॉइज स्टैंडर्ड, देखिए नॉइज का पॉइंट भी यहां पर आ गया। नॉइज आपको बता दूं जानकारी के लिए, नॉइज पॉल्यूशन एयर एक्ट का पार्ट है, एयर एक्ट 1981 का उसका पार्ट है नॉइज पॉल्यूशन, लेकिन नॉइज के जो स्टैंडर्ड्स है ना वो शेड्यूल 2 में इस एक्ट में दिए गए हैं। उसके अलावा शेड्यूल नंबर 3 वो स्टैंडर्ड्स की बात करता है मोटर व्हीकल्स के, गाड़ियों के जो धुआं हुआ निकलता है उससे संबंधित जो नॉर्म्स हैं वो शेड्यूल 3 के तहत जारी किए जाते हैं। शेड्यूल 4, बात करता है जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर एफ्लुएंट्स, इनलैंड सरफेस, पब्लिक सीवर लैंड ऑफ इरीगेशन, मैरीन कोस्टल एरिया। तो शेड्यूल 4 बात करता है तमाम जनरल स्टैंडर्ड्स के लिए, एफ्लुएंट का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इनलैंड सरफेस का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, पब्लिक सीवरेज सिस्टम का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, लैंड डिग्रेडेशन का, लैंड इरीगेशन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इरीगेशन लैंड उसके लिए भी पैमाने, ज्यादा इरीगेशन से उसमें सैलिनिटी डेवलप हो जाती है वो लैंड डिग्रेड हो जाएगा। उसके अलावा मैरीन कोस्टल एरिया के लिए CRZ नोटिफिकेशन वो भी कवर्ड है यहाँ पे। तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, 4 शेड्यूल, उसकी 4 यहां बातें। ये एक्ट आपका बहुत ही क्रिटिकल है और समय समय भारत सरकार इसमें अमेंडमेंट करती रही है, 1991 में भी हुआ, 2003 में भी हुआ, 2006 में भी हुआ, समय समय पे अमेंडमेंट होते रहे और कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशन वहां पे जुड़ते गए। तो कुछ सवाल एक MCQ देख लेते हैं, एक बेसिक MCQ सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है, सवाल MCQ आपके स्क्रीन पे है। बिल्कुल, ये एक्ट, ये सौरभ शाह जी क्या पूछना चाहते हैं, सवाल पूछिए अपना, सौरभ शाह जी आपका सवाल पूछिए, क्या सवाल में डाउट है, कुछ डाउट है सवाल पूछिए, सौरभ शाह जी को डाउट है, समस्या है तो पूछिए, ऐसे कमेंट मत कीजिए, को डाउट है तो पूछिए, यू आर मोस्ट वेलकम, आप मोस्ट वेलकम है, कोई भी डाउट कोई भी समस्या पूछ सकते हैं। तो यहां पे साथियों सवाल MCQ में कई तरह के सवाल आते हैं, मैं आपको ये कमेंट का सेक्शन होता है रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछने के लिए, जो सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है, कोई इरिलेवेंट कमेंट का कोई मतलब नहीं, हम भी ध्यान नहीं देते इरिलेवेंट कमेंट, जो कमेंट काम का रहता है जिसका मतलब निकलता है
जो सिलेबस संबंधी है, आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ है वो पूछिए। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू दी सिलेबस। तो यहां पे मेरा सवाल है, एक सवाल आप देखेंगे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पारित किया, तो उसके दो स्टेटमेंट आपको यहां पे दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट। यानी जो हमारा 1986 का एक्ट है, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है इस बात के लिए कि वो पब्लिक पार्टिसिपेशन को एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन में और एनवायरमेंट के लिए प्रोसीजर, एनवायरमेंट के लिए मैनर जो तरीके बनने हैं, रूल्स रेगुलेशन बनने, क्या उसमें वो पब्लिक पार्टिसिपेशन को एंश्योर करने की शक्तियां गवर्नमेंट को देता है। क्या एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन को एंश्योर करेगी एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरमेंट के लिए बनने वाले लॉ, प्रोसीजर एंड मैनर्स के लिए, क्या चीज मेंशन्ड है। सेकंड स्टेटमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका ले डाउन करती है सेनेट्स को फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एमिशन जो रिसोर्सेज बाहर निकलते हैं इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, उनके लिए स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करना, गाइडलाइन तैयार करना, क्या वो जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है। सवाल यूपीएससी प्री में आया हुआ है, सवाल आपका यूपीएससी प्री में आया हुआ सवाल, यूपीएससी प्री, मैंने कहा ना आपसे यूपीएससी में एनवायरमेंट के कई क्वेश्चन इस एक्ट से भी आ चुके हैं, सवाल यूपीएससी प्री में आया हुआ। अब देखिए ये जो मैंने आपको बात बताई, अगर डिटेल में आप देखेंगे तो सब सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने कहीं बताया आपको कि पब्लिक पार्टिसिपेशन का जिक्र था किसी भी बात में, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात की गई है, ऐसा लिखा नहीं हुआ। ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो डायरेक्शन पास कर सकता है एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरमेंट के इंप्रूवमेंट के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए, पर उसमें कहीं भी पब्लिक पार्टिसिपेशन का ऐसी कोई रिक्वायरमेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं कि पब्लिक पार्टिसिपेट करे और पब्लिक पार्टिसिपेट करके तय करे कि क्या प्रोसीजर क्या मैनर होना चाहिए, ऐसा कहीं भी रिटर्न में लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है तो अपने हिसाब से अज्यूम नहीं करना है एक्ट में। तो ये स्टेटमेंट जो आपका, ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, इसमें सही नहीं है। तो इसका मतलब जो बोथ बी एंड टू लोगों ने टिक किया, ये आपका सही नहीं है। इंटेंशनली मैंने यहां पर हाईलाइट किया था क्योंकि पहला दिमाग में आता, हाँ यार ये भी होना चाहिए एक्ट के अंदर, कोई बात लिखी होगी। तो बोथ वन एंड टू उसका जवाब नहीं है। आगे देखते हैं, ये मैंने बताई दिया आपको ऑलरेडी, ये तो कॉमन सी बात है कि जो हमारा सेक्शन 3 है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर करता है कि वो स्टैंडर्ड्स को ले डाउन कर सकते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट जो एमिट हो रहा है उनको रोकने के लिए। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसका जवाब है आपका बी टू ओनली इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो ये बात आगे देखिए, मैंने वही चीज बताई आपको, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इसका। सेक्शन थ्री उसका क्लॉज 2-4, सेक्शन 3 क्लॉज 2-4 ओरिजिनल एक्ट में दिख जाएगा आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो स्टैंडर्ड्स को ले डाउन कर सकते हैं फॉर एमिशन के लिए, डिस्चार्ज के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लॉज 2-4 ये एम्पावर्ड है करने के लिए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एकदम सही है, एकदम सही है सेकंड। लेकिन ओरिजिनल एक्ट में ऐसा कोई स्टेटमेंट हमें नहीं मिलता है कि पब्लिक या पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो कहीं भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है। तो बाल की खाल मत निकालो, ये स्टेटमेंट आप गलत है। इसलिए आपका जो जवाब है इसका B 2 only is the correct answer ओवर है। यहां पे सिर्फ आपका जवाब जो है वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन में होगा आपका B is the correct answer। तो जो हमने बात करी एक्ट के फीचर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, साइलेंट फीचर्स एक्ट के। तो ये एक्ट आपका पहली बात क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन डील करता है क्योंकि इसमें सजा का प्रावधान है। दिस एक्ट डील्स विद द क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, दिस इज पॉइंट नंबर वन। कौन सी सरकार पावरफुल है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मोस्ट पावरफुल एजेंसी एज पर दिस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे पावरफुल है। तीसरी बात, एनवायरमेंटल जो लैब्स हैं, एनवायरमेंट लैब जो एस्टेब्लिश करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना के स्टेट गवर्नमेंट को भी शक्ति दी हुई है कि वो भी अपने राज्य में एनवायरमेंट लेबोरेटरीज
पॉल्यूशन से लड़ने के लिए एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अब स्टेट गवर्नमेंट भी एनवायरमेंट लैब एस्टेब्लिश कर सकती है, सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट के एसपीसीबी, ये भी राज्यों में एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज को एस्टेब्लिश कर सकते हैं एज पर दी पावर गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट दे दी है। उसके बाद स्टैंडर्ड ले डाउन करना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ने ये रूल्स में लिख दिया कि स्टेट गवर्नमेंट सीपीसीबी स्टेट पीसीबी कुछ जगहों पे स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्री के लिए कितना एमिशन होना चाहिए वो लेडाउन कर सकते हैं। तो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है लेकिन उसने स्टेट गवर्नमेंट को कई जगहों पे छूट दी है कि आप अपने हिसाब से अपने राज्यों की स्थिति को देखते हुए एमिशंस के लिए नॉर्म्स जो है वो डिफाइन कीजिए। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एसपीसीबी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सहायता लेता है और एसपीसीबी सीपीसीबी से सलाह मशवरा करता है और फिर वो गाइडलाइन इशू करता है। फिर देख हम देख लिया हमने पीनल प्रोविजन, हालांकि पीनल प्रोविजन स्ट्रिंजेंट है लेकिन लोग छूट जाते हैं क्योंकि कानून का पालन नहीं हो पा रहा है। टोटल 7 इयर्स टोटल मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम 7 इयर्स का, मैक्सिमम 7 ईयर का पीनल पेनल्टी है। पर कभी सुना आपने कि बड़े बिजनेसमैन को 7 साल की सजा हुई, वो 1,00,000 रुपए देके छूट जाते हैं? तो इंप्लीमेंटेशन नहीं है, एग्जीक्यूशन फेलियर है। पीनल तो पीनल प्रोविजन पेनल्टी तो 7 साल की अच्छी खासी दी हुई है। उसके बाद पर्सन हैविंग हाईएस्ट अथॉरिटी इज प्रोसिक्यूटेड, देखिए ये एक अच्छी बात है। एचओडी डिपार्टमेंट का हेड जो हायर अथॉरिटी है वो रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। हजार्डस वेस्ट आर डिफाइंड स्पेसिफिकली भोपाल डिजास्टर के बाद में हजार्डस वेस्ट को यहाँ पे पहली बार किसी एक्ट में डिफाइन किया गया और उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर को ले डाउन किया गया। साथ अब लोकल स्टैंडिंग रिलैक्स, एनी पर्सन कैन फाइल ए केस, कोई भी पर्सन चाहे अगर उसको लग रहा है कि हाँ वो इंडस्ट्री पॉल्यूशन कर रही है, भले ही उसको डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा, वो उस एरिया में नहीं रहता है, लेकिन वो भी जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे एनी पर्सन कैन फाइल ए केस, आपको भी लगता है किसी एरिया में पॉल्यूशन हो रहा है, आप उस एरिया में नहीं रहते, यू कैन फाइल ए केस। दिस एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सभी पे एक्ट इक्वली एप्लीकेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं सिर्फ प्राइवेट फैक्ट्रीज, सेल हो एनटीपीसी हो गेल हो सब पे एक्ट एप्लीकेबल है। दिस एक्ट इज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, अम्ब्रेला एक्ट है, इसमें के तहत कई नोटिफिकेशन कई प्रोसीजर कई रूल्स और कई एक्ट्स, वाटर एक्ट एयर एक्ट के प्रोविजन भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। तो अम्ब्रेला एक्ट है, दिस एक्ट इज एन अम्ब्रेला एक्ट। ये आपके इस एक्ट के सैलियंट फीचर्स बेसिक फीचर्स, इसको एक बार देख लीजिए। सवाल घुमा फिरा के कैसे भी एग्जाम में बन सकता है, सेक्शन के सवाल बनते हैं, पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, तो तैयार रहिएगा। तो ये हमने डिटेल में इस एक्ट का डिटेल एनालिसिस कर लिया। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछिए, अगर आप रिलेवेंट डाउट पूछेंगे डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इरिलेवेंट डाउट पूछेंगे इसका मतलब इस सिलेबस से नहीं है, इस टॉपिक से नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं है आपका मेरे डिस्कस करने का, उस पर जरूर मुद्दे बात कीजिए। सिलेबस एग्जाम का टाइम आपका, यदि मे की साइकिल फोकस कर रहे हैं समय कम बचा है, अगर मे की साइकिल आपके एक्सटेंड होगी कितना होगा, 3-4 महीने एक्सटेंड हो जाएगी, जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा, तो समय कम बचा है, इस आपदा को अवसर में बदलिए। अगेन बोल रहा हूं आप मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर 101% मिलेगी। मेरा कोड NAB10, कोड NAB10 यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा मिलेगा। मेरे सारे लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी के प्लस पे 7 मई से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी के प्लस पे, जिसमें की पेपर वन प्लस इन्वायरमेंट का टॉपिक वो मैं डिस्कस करूंगा इन ए कंप्लीट मैनर। तो मैं इस पूरा सिलेबस कराऊंगा जैसे ये डिस्कस किया, एक एक बारीकी एक एक पहलू विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, वो लेक्चर मैंने कल लिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल MDG का, उसको भी देख लीजिएगा, उस पर भी मैंने डिटेल में बात कर ली है। तो मंच में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जस्ट जस्सी जी सी नहीं होगा इसका सी नहीं होगा, इसका जो जवाब है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। सी इसलिए नहीं है सी क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन वर्ड ऐसा एग्जैक्टली एक्ट में मेंशन नहीं था जो सवाल मैंने आपको दिया। तो आप सबका इस मंच पर जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे।